बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 यूनिट 3 वेरिएशन स्टार्ट करते हैं, क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसका पार्ट 1 हमने किया है जिसमें हमने एमसीक्यूज किए थे। अब हम ऑनवर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, जो लेक्चर नंबर 35 में आ जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, ये हम लेक्चर नंबर 36 में करेंगे और पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 इज़ फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन व्हेन एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर एंड टी इज इक्वल टू 10 व्हेन एस इज इक्वल टू 5। देखें, हमें क्वेश्चन 2 में गिवन है एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर या एक्स इज इक्वल टू के टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन 1, हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट की, व्हेन टी इज इक्वल टू 10 है और एस हमारे पास 5 है। पुट इन इक्वेशन 1, एस की जगह हम 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू के फाइंड करना है, टी की जगह हम 10 पुट करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर है, 5 इज इक्वल टू के, 10 स्क्वायर 100, क्योंकि हमें के फाइंड करना है तो के इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 वन्स आर 5, 5 टूज आर 10 और साथ ये 0 आ जाएगा, के इज इक्वल टू 1/20, या इसको इस तरह लिख लें k इज इक्वल टू 1/20। ये हमारे पास वो कांस्टेंट है जो हमें फाइंड करना था। इन क्वेश्चन 3 y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x2। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x2। इफ y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 4 है, x इज इक्वल टू 3 है। इसकी मदद से हम k फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 9। जब y की वैल्यू 9 है तो x क्या होगा? तो पहले तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू k बाय x स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। अब जो वैल्यू गिवन है वो उसमें पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, 4 y की जगह 4 k, x की जगह 3, 3 होल स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू k, 3 स्क्वायर 9, 9 को इस साइड पे लें, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 36 बाय x स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमने जो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू गिवन है 9 है, हमें x फाइंड करना है। पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे पुट करेंगे 9 इज इक्वल टू 36 बाय x स्क्वायर। क्योंकि हमें x फाइंड करना है, इसको आपस में चेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 36 और 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइडेड बाय 9, 9 वन्स आर 9, 9 फोर्स आर 36, x square is equal to 4, taking square root on both side, 4 का भी square root लेंगे, square and square root cancel, x is equal to 4 square root is, 4 square root is plus minus 2, x is equal to plus minus 2. Question 4 is, pressure of the gas in a closed vessel varies directly to temperature.
गिवन है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या पी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट पुट करेंगे के और टी प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे। ये इक्वेशन वन है। अब आगे देखें क्या है। इफ़ प्रेशर इज़ 150 यूनिट्स, प्रेशर गिवन है कि वो 150 है, देन द टेम्परेचर इज 70, और टेम्परेचर गिवन है कि वो 70 यूनिट्स है। यूनिट्स का मतलब है कि अगर सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड होगा, फारेनहाइट भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है, और प्रेशर जो है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, न्यूटन बाय सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है कि ये यूनिट क्या है, सिर्फ यूनिट्स लिखा हुआ है, तो आप भी इसके साथ यूनिट ही लिखें। लेकिन क्योंकि हमें ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, इसलिए यहाँ पे हम वो यूनिट नहीं लिखते। हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि पहले मुझे ये के मालूम हो जाए। पुट इन इक्वेशन वन, पी की जगह 150 पुट करेंगे इज इक्वल टू के, टी की जगह हम ये 70 पुट करते हैं। के फाइंड करना है तो 150 डिवाइडेड बाय 70 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, 0 0 के साथ कैंसल, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15/7। इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन वन, पी इज इक्वल टू के की जगह हम पुट करेंगे 15/7, और फिर हमारे पास साथ है टी। ये इक्वेशन टू। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रेशर। अब हमें प्रेशर फाइंड करना है। इफ़ द टेम्परेचर राइजेज टू 140 यूनिट्स, टेम्परेचर अगर 140 यूनिट्स हैं तो प्रेशर क्या होगा, तो टी इज इक्वल टू 140 पुट इन इक्वेशन टू, पी इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 7, टी की जगह हम 140 पुट कर लेंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14, और ये 0 इसके साथ आ जाएगा। पी इज इक्वल टू 15 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 300, और इसका यूनिट हमें गिवन नहीं है, बस इसके साथ हम लिख लेंगे यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट होगा वो साथ लिखना है, क्योंकि गिवन नहीं है तो आंसर में भी हम सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे। अब आ जाए क्वेश्चन 5 की तरफ। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट करंट वेरियस इनवर्सली एज द रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस में इनवर्सली रिलेशन है। ये आपने फिजिक्स क्लास 10 में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा होगा कि करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में रुकावट है, रेजिस्टेंस है, उसके एटम्स उस चार्ज को रोकने की कोशिश करते हैं, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। वो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी ही कम फ्लो होगी, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, इसलिए करंट और रेजिस्टेंस में वेरिएशन इनवर्सली है। अब हमने इसको इक्विलिटी में कन्वर्ट करना है तो इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे के लिख लेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और नीचे आर आ जाएगा। ये इक्वेशन वन है। अब हमें के फाइंड करना है, आई और आर की वैल्यू गिवन है। व्हेन करंट इज 44 एम्पेयर, एम्प्स मीन एम्पेयर, तो पुट आई हम 44 पुट करेंगे, द रेजिस्टेंस इज 30 ओम्स, और रेजिस्टेंस 30 ओम्स है, करंट के साथ एम्पेयर और रेजिस्टेंस के साथ आप ओम लिख सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में ये ए और ओमेगा पुट ना करें। इन इक्वेशन वन ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आई है हमारे पास 44 इज इक्वल टू के, और रेजिस्टेंस है 30,
के फाइंड करना है, के इज इक्वल टू 44, 30 इस साइड पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इज इक्वल टू 44 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 1320। इस वैल्यू को के की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय आर, इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब देखें हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच करंट विल फ्लो, करंट फाइंड करना। इफ रेजिस्टेंस बिकम्स 22 ओम, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 22 ओम्स है, ये ओम का सिंबल है, पुट आर इज इक्वल टू 22 ओम्स इन इक्वेशन 2, आई इज इक्वल टू 1320 डिवाइडेड बाय आर की जगह हम 22 पुट कर लेंगे, I इज इक्वल टू 1320 को 22 पे डिवाइड करें तो इससे रिजल्ट आता है 60 और इसका यूनिट एम्पेयर है, तो एम्पेयर लिख लें AMP या आप सिर्फ A भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, इफ A वेरीज जॉइंटली एज B एंड द स्क्वेयर रूट ऑफ C, A दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड स्क्वेयर रूट ऑफ C, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे K लगाएंगे, यानी A इज इक्वल टू K B अंडर द रूट C, ये इक्वेशन 1 है। अब हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या गिवन है, A इज इक्वल टू 21, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 36, पुट A इज इक्वल टू 21, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1, A की जगह हम यहाँ पे 21 पुट करेंगे, K फाइंड करना है, B हमारे पास 5 है और C 36 है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, 21 इज इक्वल टू के इंटू 5, 36 स्क्वायर रूट 6, 21 इज इक्वल टू के 6 5 30, यहाँ पे 30 लिख लें, के इज इक्वल टू 21, 30 को इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 7s are 21 एंड 3 10s are 30, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/10। अब 7/10 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट के इज इक्वल टू 7/10 इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 7/10 यहाँ पे पुट किया हमने, बाकी है बी एंड अंडर द रूट सी, ये इक्वेशन 2। अब आगे क्या फाइंड करना है, फाइंड ए, इस ए को हमें फाइंड करना है, व्हेन बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू 225, इस इक्वेशन पे पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 7/10 इंटू बी की वैल्यू हम 9 पुट करेंगे और सी हमारे पास 225 है और इसका स्क्वायर रूट है, ए इज इक्वल टू 7/10 इंटू 9 और 225 का स्क्वायर रूट है 50, ए इज इक्वल टू 5 2s are 10 एंड 5 3s are 50। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करते हैं, 7 × 9 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 7 × 9 × 3 से आता है 189 और डिवाइडेड बाय 2,
तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स। 4 नंबर्स गिवन है, 3, 8, 11 एंड 20। इन 4 नंबर्स के साथ हम क्या ऐड करें कि ये 4 नंबर्स प्रोपोर्शनल में आ जाए। तो हम कहते हैं कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ वो जो नंबर हमने ऐड करना है वो एक्स है। लेट एक्स बी द नंबर। तो अगर हम एक्स को 3 के साथ भी ऐड करें, 8 के साथ भी ऐड करें, 11 के साथ भी ऐड करें और 20 के साथ भी ऐड करें, आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन की डिफिनेशन ये है कि इन दो के दरमियान रेशो, यानी 3 + x और 8 + x के दरमियान जो रेशो है वो इक्वल होगा 11 + x और 20 + x के दरमियान रेशो। यानी इन दो नंबर के दरमियान रेशो और इन दो नंबर के दरमियान रेशो इक्वल होगा, इसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। 3 + x प्रोपोर्शन में डिवाइड, 8 + x इज इक्वल टू 11 + x डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + x के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 + x इज इक्वल टू, एंड 11 + x के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 + x। यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। 3 को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। फिर x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x2। ये मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 प्लस 11 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस x को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x2। 60 प्लस 3x प्लस 20x 23x प्लस x2 इज इक्वल टू 88 प्लस 11 प्लस 8 19x प्लस x2 23x प्लस x2 को यहाँ पे रहने देते हैं। इन दो वैल्यूज़ को भी साइड पे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, यानी -19x और -x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 88 है, इस कांस्टेंट को भी उस साइड पे ले जाए तो ये आ जाएगा -60। प्लस x2 -x2 कैंसिल, 23x में से 19 जाएंगे तो 4x इज इक्वल टू 88 में से 60 माइनस होगा तो ये हमारे पास 28 आ जाता है। क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो 28, 4 को इस साइड पे ले आते हैं, डिवाइड बाय 4, 4 1s are 4, 4 7s are 28, x इज इक्वल टू 7। द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। अगर 7 को हम उन चारों नंबर के साथ ऐड कर लें तो वो चारों नंबर आपस में प्रोपोर्शन हो जाएंगे। अब सेम टू सेम क्वेश्चन 8 भी है, लेकिन उसमें गिवन है कि आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन हो जाए। तो क्वेश्चन 8 इज, आपको 4 नंबर गिवन है, 6, 8, 7 एंड 11। व्हाट वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दीज 4 नंबर्स दैट दीज नंबर बिकम्स प्रोपोर्शंस। तो हमें उस नंबर का पता नहीं, हम कहते हैं कि लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड
नंबर। तो इस x को हम 6 से भी माइनस करेंगे, 8 से भी माइनस करेंगे, 7 से भी माइनस करेंगे और 11 से भी माइनस करेंगे। तो ये चारों किस में बन जाएंगे? R in proportion। तो जब ये चारों प्रोपोर्शन में है तो 6 माइनस एक्स रेशो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स। ये प्रोपोर्शन की डिफिनीशन है कि दो रेशो और ये दो रेशो आपस में इक्वल होंगे। रेशो का मतलब डिवाइड भी होता है, 8 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स और ये रेशो डिवाइड 11 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 माइनस एक्स इस 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 7 माइनस एक्स इस 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 भी 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स भी होगा, यानी 6 भी 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स भी 11 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी ये 7 भी 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स भी 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई 11 66 माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स 6x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 11 11x माइनस एंड माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 56 माइनस 7 मल्टीप्लाई एक्स 7x माइनस एक्स मल्टीप्लाई 8 8x माइनस एंड माइनस प्लस एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वायर 66 माइनस 6x माइनस 11x 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56 माइनस 7x माइनस 8x माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर। अब x और एक्स स्क्वायर की इन दो वैल्यूज को भी इस साइड पे लें, माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू भी इस साइड पे हम ले आते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 15x और ये वैल्यू साइड पे आएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ये 56 है, 66 को इस साइड पे ले तो माइनस 66 हो जाएगा, माइनस 17x प्लस 15x माइनस 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 56 माइनस 66 इससे आएगा माइनस 10, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 66 में से 56 माइनस करें तो 10 आएगा और साइन इज माइनस का लगेगा, क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो माइनस 10 माइनस 2 को इस साइड पे लें तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 वन ज़ार 2 2 फाइव ज़ार 10 एक्स इज इक्वल टू 5। Hence, the required number is 5. इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक सॉल्व किया है। पार्ट 3 लेक्चर नंबर 36 में क्वेश्चन 9 और ऑनवर्ड क्वेश्चन अप टू 15 हम सॉल्व करेंगे।